Welcome RCI online classes. Today we are studying our next topic, measurement of large distances. बेटा previous class में कल आपने पढ़ लिया था small distances को measure करने के तीन method. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं large distances. Large distances कौन सी होती है? अर्थ से मून की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल जो डिस्टेंस होती है मीटर में, मीटर स्केल होता है, इंच टेप होता है, उनसे मेजर हो जाता है. लार्ज डिस्टेंस मीन्स अर्थ से कोई भी प्लैनेट है, स्टार है, मून है, उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करें, उसको मेजर करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं. वो मेथड है, फर्स्ट मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेथड है पैरेलेक्स मेथड. कैसा मेथड है? पैरेलेक्स मेथड. इस मेथड को ध्यान से समझेंगे. पैरेलेक्स मेथड देखिए, एक डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं. ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस से यहां पे कोई प्लैनेट है, अर्थ सरफेस से यहां पर प्लैनेट है, स्टार है, जिसको अर्थ से डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. तो यहां पे हम दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं, ए और सेकंड ले लेते हैं बी. हमने क्या किया, ध्यान से समझो. एक अर्थ का सरफेस लिया, अर्थ के सरफेस पे हमने दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए हैं ए और बी, और यहां पे आपका कोई भी प्लैनेट है, स्टार है. ठीक, तो यहां इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस ए के लिए देखो, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए से यहां से ले लेते हैं इसको, ये स्टार का ये पॉइंट. ठीक है, और एक यहां से इसकी डिस्टेंस वो इस तरह से जाएगी, ये देखो यहां से और ये. क्लियर, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूं. देखो यहां से ये, ओके, ये आपका स्टार है, अर्थ सरफेस है, ये ए और बी पॉइंट. लेट अस कंसीडर जो ये एंगल बन रहा है इस स्टार से अर्थ के दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, जो एंगल है वो एंगल हम ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर थीटा. क्लियर है, और यहां अर्थ सरफेस से ये वाली जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर इसको हम ले लेते हैं एस. ये डिस्टेंस एस है तो ये भी क्या होगा बेटा, एस. और ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, ये हम ले लेते हैं लेट अस कंसीडर स्मॉल बी. क्लियर, अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो लेट अस कंसीडर इसको सेंटर लेके और एस रेडियस का अगर एक सर्किल बनाए तो ये एक आर्क बनेगा एस रेडियस से. देखो यहां से इस तरह से सेंटर लेके अगर अपन एक स्फीयर बनाए, एक सर्किल बनाए, तो ये सर्किल में ऐसे लगेगा कि यहां पे ये जो आपकी डिस्टेंस है ये एक आर्क बन जाएगी. इस एस के लिए ये आर्क बन गई, इस तरह से आर्क बन गई. तो ये आर्क की डिस्टेंस लेट अस कंसीडर क्या है, एल. ठीक है, ये वाली आर्क जो बनेगी इस तरह से, बट पैरेलेक्स मेथड में. और मैथमेटिकली हम ये भी क्लियर है कि जो ये वाली एस डिस्टेंस है, एस वो इज ग्रेटर देन बी. एस जो है वो बी से बहुत बड़ा है, तो मैथमेटिकली ऐसे लग रहा है कि b अप्रोक्सीमेट इक्वल है n के. बट क्लियर है, जब s जो है वो b से बहुत बड़ा है, अर्थ से मून या स्टार की जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें s बहुत ही ग्रेटर देन है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा लगता है कि ये b और जो n है ये दोनों क्या है, इक्वल है. क्लियर, अब पैरेलेक्स मेथड से अब इसको शो करें तो हम ये कह सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और थीटा एंगल है. तो वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अरे यू नो इन 10th क्लास वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. Using this formula in this triangle, and we can say
angle, here angle is, let us consider theta. So theta is equal to, what is arc? Arc is L and B. And L and B equal, so we can say B and upon radius. So radius is, this circle radius is small, capital S, so S. So theta is equal to B upon S. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्थ से इस स्टार या मून जो है इसकी डिस्टेंस, और बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है अर्थ से, भाई अर्थ से मून की डिस्टेंस या स्टार की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, और हमें वही कैलकुलेट करनी है पैलेस मेथड से, ये पैलेस मेथड है। तो भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से एस इज इक्वल टू, इन दिस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा। अरे ऐसा हो ना, एस इधर आ जाए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा। ये एस जो है वो क्या है, इस अर्थ के सरफेस से इस स्टार की डिस्टेंस, और इसी से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा जो एंगल है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन वो नॉन है, हम यहाँ अर्थ के यहाँ पर और यहाँ पर जा रहे हैं, तो हमें पता है कि अर्थ से हमने ऑब्जर्वेशन कितने पॉइंट तक लिया है, वो नॉन है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास अर्थ से इस स्टार की या मून है तो मून की डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाती है। यही मेथड जो है वो कहलाता है पैलेक्स मेथड। ये फर्स्ट मेथड है पैलेक्स मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड लार्ज डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वो हम नेक्स्ट कल पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू क्लास।